अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सुबह उठते साथ जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपको फ्रेश करती है, अगर आप अपना चेहरा जब शीशे में देखते हैं तो उस पर किसी किस्म के रिंकल्स ना हो, उस पर किसी किस्म के एक्नी स्पॉट्स ना हो, स्कार्स ना हो, पिगमेंटेशन ना हो, तो ये चीज़ क्या करती है, आपको ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा फ्रेश कर देती है। तो अगर आपके चेहरे पे इस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, मतलब एक्नी स्कार्स हैं, आपके यहाँ पे फाइन लाइंस बनना शुरू हो गई हैं, एजिंग स्टार्ट हो चुकी है, रिंकल्स हैं, पिगमेंटेशन है, उसके लिए किसी किस्म की कोई ब्लीच नहीं करानी, कोई फेशियल नहीं करवाना, किसी किस्म की कोई स्किन में कुछ भी ट्रीटमेंट आपने पॉलर से नहीं कराना, उसके लिए 15 मिनट की एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी, एक ऐसी हम DIY क्रीम बनाएंगे जो आपके इन सारी प्रॉब्लम्स को करेगी सॉल्व बिल्कुल एक सोल्यूशन के साथ। कैसे बनाना है, कैसे अप्लाई करना है, इसको बनाते हैं साथ साथ। इस मैजिकल रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ मुझे चाहिए वो है चावल का आटा। आप किसी भी सुपरमार्केट से एक छोटा सा पैकेट उठा लें चावल के आटे का, बहुत इजीली अवेलेबल है। उसमें जाएगा हनी, जो सा भी हनी आप इस्तेमाल करते हैं, ये मेरा चावल का आटा और इसमें मैं डालूंगी हनी तकरीबन 1 टीस्पून। ये चला गया हनी। उसके बाद तीसरा मैजिकल इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा एलोवेरा जेल। बाजार का जो भी एलोवेरा जेल आप इस्तेमाल करती हैं आप उसको ले सकती हैं। साथ इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल, इसको मिक्स करेंगे हम दूध के साथ। इसमें जाएगा दूध और इसमें एक इंग्रेडिएंट जो जाएगा वो है आलमंड ऑयल। आप किसी भी कंपनी का आलमंड ऑयल लेंगे और उसको 10 से 12 कतरे मैंने डाली है आलमंड ऑयल के, और अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। मिक्स होने के बाद ये कुछ इस तरह के आ गया। और चावल का आटा मैंने इसमें इसलिए इस्तेमाल किया है कि इसमें होता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट जो कि आपकी फाइन लाइंस को कवर करता है, आपके रिंकल्स को ख़त्म होता है, अगर आपके चेहरे पर एजिंग स्टार्ट हो चुकी है तो एजिंग साइंस को ख़त्म करता है। इसमें है दूध जो कि लैक्टिक एसिड होता है, जो कि आपकी स्किन वाइटनिंग में, स्किन ब्राइटनिंग में सबसे ज़्यादा काम होता है। और इसमें हमने ऐड किया है हनी। हनी जो है आपकी स्किन की आखिरी लेयर को भी मॉइस्चराइज करेगी, हर तरह की ड्राइनेस ख़त्म होगी, क्योंकि ड्राइनेस की वजह से ही आपके यहाँ पर रिंकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। और चावल के आटे में, चावल का जो आटा होता है वो आपके जो चेहरे पर एक्स्ट्रा ऑयल आ जाता है, जो कि रीज़न होता है आपकी एक्नी बनने का। एक्नी बनेगी, एक्नी के बाद एक्नी स्कार्स बनेंगे, तो उसको जो आपका एक्स्ट्रा ऑयल आपके चेहरे पर आपके टी जोन एरिया पर आता है उसको टोटली ख़त्म करता है। इसको अप्लाई करना कैसे करना है, ये लेंगे ब्रश और इसको करेंगे अपने चेहरे पर बहुत अच्छे से अप्लाई। मैं अपने हाथ पे करके दिखा रही हूँ आपको, इस तरीके से। इस तरीके से आपने 2 से 3 लेयर्स लगा के इसको करना है इस्तेमाल। अगर देसी तरीका आप इस्तेमाल करेंगे तो ये ले लिया हाथ पर और इसको बहुत अच्छे से अप्लाई करेंगे अपने चेहरे पर और इसका करेंगे मसाज। सिर्फ अप्लाई नहीं कर देना, अप्लाई करने के बाद स्पेशली जो आपका नोज़ का एरिया, जहाँ पर आपके ओपन पोर्स होते हैं, आपके ब्लैक हेड्स होते हैं, उसको करेंगे अच्छे से मसाज और इसको करेंगे 15 मिनट तक इसको ड्राई होने देंगे। उसके बाद करेंगे अर्के गुलाब का स्प्रे बहुत अच्छे से और इसको हल्के हाथ से मसाज करके अपने चेहरे को करेंगे वॉश। ऑल्टरनेट डेज पर एक दिन छोड़कर एक दिन आपने इसको इस्तेमाल करना है। उससे होगा आपके चेहरे पर हर तरह की पिगमेंटेशन ख़त्म होगी, आपकी एक्नी ख़त्म होगी, आपके एक्नी स्कार्स ख़त्म होंगे, आपके एजिंग साइंस भी ख़त्म हो जाएंगे। कुछ लोगों के माथे पर यहाँ पर फाइन लाइंस बन जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी ये रेमेडी करेगी ख़त्म। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।